day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. मिनी स्विट्जरलैंड मतलब बाइसरन से आने के बाद हम लोग गए लंच करने भात रेस्टोरेंट में, जो कि टैक्सी स्टैंड के ठीक बाजू में ही है। कुछ सीढ़ियां चढ़ के आपको इस रेस्टोरेंट में जाना है। अगर आप एकदम लोकल कश्मीरी क्विजीन ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर खाना खाइएगा। ये लोकल कश्मीरी लोग ही चलाते हैं और यहाँ पे कश्मीरी ही आते हैं खाने के लिए। हमने लिया एक मटन थाली जिसमें मिलेगा 1 पीस मटन, एक सब्जी और प्याज की चटनी जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है, और उसके साथ आपको अनलिमिटेड राइस मिलेगा। ये जो प्याज का अचार टाइप्स है ना, इसमें ये काफी तीखा है तो इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। ये लोग काफी तीखा खाते हैं कश्मीरी, बहुत अच्छा है खाना यहाँ का। खाना हमारा हो गया है, हमने खा लिया है यहाँ से। ये भात रेस्टोरेंट जो कि थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा 2-3 सीढ़ियाँ ऊपर है, और यहाँ पे हमने 120 रुपीस में एक थाली लिया था जिसका, जो कि मटन थाली था, उसमें 1 पीस मटन आता है और अनलिमिटेड है राइस, चावल आप जितना मर्जी उतना खाओ, उसके साथ एक सब्जी भी मिलता है। ये लोकल कश्मीरी खाना है, यहाँ पर कश्मीरी लोग भी आते हैं खाने के लिए। काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था खाना, और अच्छा था ना। अभी हम जाएंगे टैक्सी स्टैंड और वहाँ से टैक्सी बुक करेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, हम लोग निकलेंगे फॉर ABC मतलब आरू वैली बेताब और चंदनवाड़ के लिए। लंच हमारा अच्छे से हुआ, कल हमने राइस बिल्कुल भी नहीं खाया था, आज मिला। यहाँ का कुछ जो लोकल चावल है ना, वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा है, लोकल फूड। और जो प्याज का चटनी था ना, वो बहुत ही ज़्यादा तीखा और एकदम मज़ेदार था। कहते हैं मंजिल से बेहतर होता है रास्ता। वेल, कश्मीर में आके ये तो पता चला कि मंजिल भी खूबसूरत हो सकती है और रास्ते भी। हमने कहाँ से, कितने पैसों में और किस तरह से टैक्सी बुक किया है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैंने शेयर किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किया है, जरूर चेक करना। आरू वैली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे जाने के लिए हमें 50 रुपए टैक्स भरना पड़ा। आरू वैली के रास्ते में ये हमें दिखा एक सुंदर सा व्यू पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। वैसे तो यहाँ के हर जगह पर व्यू पॉइंट है ना, इसमें जो लेटर रिवर है वो पूरा दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं अगर दुनिया में कहीं पे जन्नत है तो वो कश्मीर में है, लेकिन इस जन्नत की क्या हालत है वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। यहाँ का रास्ता, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी सब इतना ज़्यादा खराब पोजीशन में है। हाँ, गवर्नमेंट शायद श्रीनगर, गुलमर्ग और कुछ गिने चुने जगह पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऑल ओवर कश्मीर में बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि नेग्लेक्टेड ही रह जाता है, जैसे कि यहाँ पे। ये पहाड़ी के इतनी ऊंचाई पर है और यहाँ का रास्ता इतना खराब है, इट इज़ वेरी रिस्की। लिडर रिवर के पास से होते हुए हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे और इन खूबसूरत वादियों का मजा उठाते रहे। हम दोनों ही मूवीज के बहुत बड़े फैन हैं। इतनी सारी मूवीज की शूटिंग हुई है आरू वैली में, जैसे हाईवे, ये जवानी है दीवानी, हैदर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जब तक है जान, और सबसे ज्यादा हम एक्साइटेड है बजरंगी भाईजान की मुन्नी के घर देखने के लिए। वो आरू वैली में ही दिखाया गया था। Hey,
tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. ड्राइवर भैया से कश्मीर के बारे में बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ सुनते सुनते हम पहुँच गए आरू वैली। ये है आरू वैली का टैक्सी स्टैंड और ये इतनी ऊंचाई पर है कि बहुत ज़्यादा ठंड है और तेज़ ठंडी हवा इतनी ज़्यादा थी कि मेरे जैकेट उतारने की तो हिम्मत ही नहीं हुई और यहाँ पे जाने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है। पहुँच चुके हैं आरू वैली। आरू वैली आने में हमें लगभग 45 मिनट्स लगे, पहुँच चुके हैं इधर। व्यू काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है लेकिन धूप भी है और यहाँ पे पोनी राइड होगी बट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। व्यू का ब्यूटीफुल है, सो अंदर चलते हैं। टिकट लग गई, तो हम लोग नीचे से अभी ऊपर जा रहे हैं आरू वैली। तो इधर ना बहुत सारे पॉइंट है देखने के लिए, तो ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा या फिर पोनी अभी हम फिर से नहीं करना चाहते। पोनी राइड में ना बहुत ही ज़्यादा पेन होता है स्पाइन में, फिर पैर में। हमने ऑलरेडी आज बहुत ही ज़्यादा पोनी राइड कर ली, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैक करते हुए जाएंगे। ऊपर जाना है, ऊपर बस पहाड़ ही है, ऊपर से जो व्यू है वगैरह वो सब देखने के लिए, तो वही जितना हो सके जाएंगे। हर एक पोनी हो या ड्राइवर हो, सबका यहाँ पे टाइम लिमिट होता है 1 घंटा। उसके हिसाब, उसके बाद अगर टाइम क्रॉस हो गया तो चार्ज लगेंगे एक्स्ट्रा। जहाँ पे सबके पैसे हैं, हर चीज़ के वो लोग पैसे लेते हैं। चलते चलते थोड़ा सा रेस्ट एंड लुक एट द व्यू। जैसे हम लोग बाइसरन गए थे पोनी में और ऊपर जाके एक पॉइंट था जहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं, तो वैसा ही सेम यहाँ पे ऊपर जाके पॉइंट है और धूप बिल्कुल तेज़ धूप है, इसीलिए काफ़ी टायर्ड भी लग रहा है। वो जो पहाड़ के बीचों बीच रास्ता दिखाई दे रहा है वहीं से हमें जाना है। ट्रैक करते करते हालत खराब हो गई, आप लोग देखिए मैं किस तरह से अभी चल रही हूँ। एडवेंचरस एक राइड के बाद ट्रैकिंग करते हुए फाइनली हम लोग पहुँच गए आगे बढ़े पॉइंट। यहाँ पर ज़्यादा एडवेंचर, एंट्री फी 20 रुपीज़। ट्रैक करते हुए पहुंच गए असली आरू वैली में। यहाँ पर पर्सन 20 रुपये टिकट है और बच्चों के लिए 10 रुपये। एंट्री पॉइंट से इस आरू वैली पॉइंट तक 45 मिनट्स की ट्रैकिंग है और अगर आप ट्रैकिंग में माहिर है तो आप 30 मिनट्स में भी ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। केवा पहुँचे बाकी, केवा मिलेगा इधर, केवा मिलेगा तो कितना? 50 रुपए, 30 रुपए का नहीं है? नहीं, ठीक है, मत आओ, बता मत आओ, 30 रुपए का दे दो। एक एक। बजरंगी भाईजान में दिखाया गया था मुन्नी अपने घर की तरफ दौड़ रही है, तो ये है वो मुन्नी का घर। लेकिन यहाँ पे एक परमानेंट बाउंड्री बनाई गई है क्योंकि उस साइड लोकल्स रहते हैं, इसीलिए टूरिस्ट उनको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ऐसा किया गया है। ये है आरू वैली जो कि सबसे ऊंचा पॉइंट है, हम लोग ट्रैक करके इधर आए एंड द वैली लुक्स ब्यूटीफुल। और मेरे पीछे इस तरफ है बजरंगी भाईजान की जो मुन्नी का जो घर दिखाया गया था, ये है वो मुन्नी का घर। तो यहाँ पे वो शूटिंग हुई थी और बजरंगी भाईजान की, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ट्रैकिंग करके हम आए, बहुत ख़राब रास्ता था बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट। सो इस रास्ते से हम लोग जाएंगे अभी। वो जो भैया मिले हमें जिन्होंने जिनके वो यहाँ पे घर है मैगी पॉइंट में, तो उन्होंने हम लोगों को एक शॉर्टकट बताई जो कि एकदम वैली के बीचों बीच जा रही है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल।
तो वो वाला जो रास्ता है वो पहाड़ है ना, उसके पीछे है आरू वैली, और ये चढ़ाई उतर के हम लोग आए हैं। और जाने के वक्त हम लोग इधर इधर से घूम घूम कर गए थे। लोकल कश्मीरी जिनका घर ऊपर पहाड़ में था, उन्होंने जो शॉर्टकट बताया उसका बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि हम 20 मिनट में ही टैक्सी स्टैंड पहुंच गए। आरू वैली से निकलकर हम सीधा जा रहे हैं बेताब और चंदनवाड़ी। नेक्स्ट व्लॉग मिस मत कीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।